आज हम देखेंगे ओसाका DF960 मार्क फोर फ्लैश के साथ ओसाका G4 ट्रिगर का वर्किंग। तो पहले तो हम फ्लैश को ऑन करेंगे। फ्लैश के ऑन ऑफ बटन को हम 2 सेकंड के लिए दबाएंगे तो फ्लैश ऑन हो जाता है। तो इसमें क्या है, जैसे अगर आप पहले फ्लैश यूज़ करते हैं तो लास्ट में जो आपका मोड रह जाता है वही आपके फ्लैश के ऑन करने पर वही मोड डिस्प्ले होता है। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी TTL मोड पे है। तो मोड स्विच करने के लिए आप दबाएंगे मोड का बटन, फिर आपको मैनुअल मोड आ जाएगा, फिर मल्टी है, फिर अगेन TTL मोड। ट्रांसमीटर को वर्क करने के लिए जो बटन अपने फ्लैश पे है वो है ये वाला पहला बटन, क्लियर बटन का फर्स्ट बटन। तो आप इसको अगर दबाएंगे तो आप देख सकते हैं अदर ऑप्शंस हैं, जैसे मास्टर कंट्रोल है, स्लेव कंट्रोल है, और S1 मोड भी है, S1-2 मोड भी है। तो अगर आपको अपनी फ्लैश G4 ट्रांसमीटर के साथ वर्क करवाना है, दैट इज़ ओसाका G4 के ट्रांसमीटर के साथ इनबिल्ट रिसीवर जो फ्लैश के DF960 के अंदर है उसको वर्क करवाना है, तो हम देखेंगे इसको कैसे करते हैं। पहले तो आप क्लियर बटन को दबाएंगे। इस पे जो इंडिकेशन आ रहा है, जो वायरलेस का इंडिकेशन है, वो इस पे कंपलसरी आना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वायरलेस का इंडिकेशन है, और उसके साथ में मास्टर कंट्रोल है। मास्टर कंट्रोल बेसिकली आपका तब काम करता है जब आप अपनी फ्लैश को TTL मोड पे, जैसे कि कैमरा पे लगा के शूट करना चाहते हैं, उस टाइम के आप मास्टर कंट्रोल पे रख सकते हैं। अगर आपको G4 के साथ अपनी फ्लैश ट्रांसमीटर के साथ वर्क करवानी है तो उसके लिए आप इसको मास्टर कंट्रोल को, दैट इज़ वायरलेस वाले मोड पे मास्टर कंट्रोल के अलावा आप लेके आएंगे इसको स्लेव मोड पे। तो क्लियर का बटन दबाने पे आपका स्लेव मोड आ जाता है, ये है आपका चैनल। तो अगर आपका चैनल, ये प्रीसेट चैनल है जो आपके फ्लैश के साथ ऑलरेडी आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके पीछे है, ये आपका प्रीसेट चैनल है जो चैनल 1 पे है, ये आपका चैनल 1 पे है जो आपके ट्रिगर पे आप देख सकते हैं। ये चारों बटन्स जो 1, 2, 3, 4 नीचे की तरफ हैं वो आपका चैनल 1 पे है, और फ्लैश पे भी आपका चैनल 1 पे है अभी। तो अब आप ट्रिगर का टेस्ट बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं, तो आपका फ्लैश अभी वायरलेसली सिंक्रोनाइज हो रहा है ओसाका G4 ट्रांसमीटर के साथ। तो इस पे आप, अभी मैनुअल मोड पे था तो हम अभी मोड चेंज करके मल्टी मोड में लाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि मल्टी मोड पे भी आपकी फ्लैश ट्रांसमीटर के साथ वर्क कर रही है। तो इस पे एक और मोड है TTL, तो डिटेल में भी आप देख सकते हैं कि आपके ट्रांसमीटर बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है DF960 ओसाका फ्लैश के साथ। अगर आपको वापस स्विच करना है कि आपको ओसाका G4 ट्रांसमीटर के साथ नहीं काम करना है, आपको TTL मोड पे वर्क करना है, तो आप वापस क्लियर बटन के पहले बटन को दबाएंगे तो वापस आपका मास्टर कंट्रोल स्विच हो जाता है, जिससे कि आप अब अपना ओसाका का ट्रांसमीटर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये मोड अभी आपके ट्रांसमीटर से, मोड से हट के आपके मास्टर कंट्रोल पे चला गया, जो है कि आपका eTTL मोड है, जो अब आप अपने फ्लैश को कैमरा के ऊपर लगा के यूज़ कर सकते हैं TTL मोड के लिए, ऑटो फंक्शन के लिए। अगर आपको वापस G4 ओसाका ट्रांसमीटर के साथ अपना फ्लैश वर्क करवाना है तो इसको आप दबाएंगे, वही सेम प्रोसीजर है, क्लियर के पहले बटन को दबाते रहिए जब तक आपका वायरलेस इंडिकेशन यहाँ आ जाए डिस्प्ले पे एंड स्लेव मोड पे आ जाए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है ट्रांसमीटर इनबिल्ट रिसीवर के साथ DF960 ओसाका फ्लैश। यही सिस्टम आपका कैनन में है, जो अभी मेरे हाथ में है वो है कैनन की फ्लैश है। यही आप सिस्टम, यही प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, आप अपनी निकॉन की फ्लैश पे भी यूज़ कर सकते हैं।